घर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया हो, 1 रुपये कमाई होती हो, 4 रुपये खर्च हो रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान ठप हो गई हो, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो केवल एक रुद्राक्ष और एक चावल के दाने से बहुत ही सरल उपाय है। करके देखिएगा, आपका कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। इस उपाय को गुरु जी ने पहले की कथाओं में बताया है, मैंने उन्हें सुनकर समझकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए हमें चाहिए 1 कलश जल। 1 कलश जल में तांबे के लोटे में हम डालेंगे 1 रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आप सोच रहे होंगे कौन सा डालना है, तो आप रुद्राक्ष 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, जो भी आपके घर में रुद्राक्ष हो वो रुद्राक्ष आप डाल सकते हैं। और उसमें डालेंगे 1 चावल का दाना। चावल का दाना खड़ा होना चाहिए, टूटा फूटा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप 1 कलश में डाल लेंगे। आप क्या करेंगे, इस कलश को रखेंगे कहाँ, तो जहाँ आप रसोई घर में पीने के बर्तन रखते हैं, मटका रखते हैं, जिसे कहते हैं परिंडा, उस स्थान पर इस कलश को भर के रख देंगे और इस कलश को 1 प्लेट से ढक देंगे, ठीक है। ये आपको कलश भर के रखना है कब, समय सुबह 10 से 12 बजे के बीच में। फिर उसी दिन शाम को प्रदोष काल के समय आपको उस कलश के आगे 1 घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उस घी के दीपक की जो बाती होगी वो बाती आपको लेना है लंबी बाती, और उस दीपक का जो मुख रखना है, बाती का जो मुख रखना है वो रखेंगे दक्षिण दिशा की ओर। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब क्या करेंगे, दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपना सीधा हाथ उस कलश के ऊपर जो प्लेट ढकी है वहाँ रखकर आपने दिल की जो कामना है, जो बात है, जिस कार्य से, जिस उद्देश्य से आप इस उपाय को कर रहे हैं, वो आपको पूर्वजों को याद करते हुए करना है कि हमारे ये इस कामना से हम इस उपाय को कर रहे हैं। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान ठप हो गई है, जो भी दिल की बात है वो उस समय आपको कहना है। फिर आपको अगले दिन सुबह समय 10 से 12 के बीच में ही उस कलश के वहाँ फिर 1 दीपक प्रज्वलित करना है लंबी बाती का। उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक लगाने के बाद आप उस कलश को उठाइए। कलश को ले जाकर उसका सारा जल आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और जो रुद्राक्ष है उसे लेकर आप घर की ओर आ जाइए। बस यहाँ उपाय आपका पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और जो रुद्राक्ष आप वापस लेके आओगे उस रुद्राक्ष को घर में रखने से साल भर तक कोई व्यक्ति घर का ना ही बीमार होता है ना उसे कोई बीमारी होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।